पढ़ ले ये तो सब कहते हैं, पर क्यों और कैसे सिर्फ कुछ लोग। हेलो एवरीवन, सो अभी तक दो बार इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि एक एक्सप्रेशन हमारे पास है। एक बार हमने इसको कन्वर्ट किया प्रीफिक्स में, एक बार कन्वर्ट किया पोस्टफिक्स में, और जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है, जो स्टैंडर्ड तरीका है, एक एक करके ऑपरेटर बाय ऑपरेटर हम चलते गए, स्टार्टिंग विद द ऑपरेटर जिसकी जो प्रायोरिटी है वो हाईएस्ट है, जहां क्लैशेस हुए वहां हमने एसोसिएटिविटी की मदद ली और नीचे चले गए। अब एक तरीका आपको और समझाता हूँ, मज़ा आए आपको तो ऑब्जर्व करिएगा, चाहे तो अभी छोड़ भी सकते हैं, बट पर्सनली व्हाट आई फील कि कभी कभी ये ज़्यादा सही स्पीड से काम करता है, वो क्या, हम इसके लिए एक सिंटेक्स ट्री, एक्सप्रेशन ट्री बना लेते हैं, और बाद में उस ट्री का जब आप ट्रेवर्सल करेंगे तो आपको यही एक्सप्रेशन दोबारा मिलेंगे। बोलना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पर पूरा गेम है ट्री बनाने का। अगर ट्री एक बार सही से बन गया तो बात आप पकड़ लेंगे। हाँ, कैसे ट्री बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ भी वो ऑपरेटर वाली बात ध्यान रखनी है, स्टार्ट करना हाईएस्ट प्रायोरिटी से, और अगेन ब्रैकेट हाईएस्ट है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोज में भी आपको बताया है, तो ये ब्रैकेट हाईएस्ट है, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ। तो क्या सॉल्व करना है, इसको लिखेंगे प्लस ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा सी और राइट चाइल्ड बन जाएगा डी। तो इतना पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, जो सॉल्व कर रहा उसको यहीं पे मैं डार्क करते जाता हूँ। अब लेफ्ट टू राइट बढ़ूंगा तो सबसे पहले जो मुझे नज़र आएगा वो नज़र आएगा ये मल्टीप्लाई, तो इस मल्टीप्लाई के लिए बी जो है वो लेफ्ट ऑपरेंट होगा और ये जो पूरा रिजल्ट है ये राइट ऑपरेंट होगा। तो मेरे ख्याल से गौर करिएगा, देखिए मैं कैसे इसको बना रहा हूँ, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ये मल्टीप्लाई, ये बी आ गया लेफ्ट चाइल्ड, और ये पूरा का पूरा रिजल्ट हमारा हो गया राइट चाइल्ड, और मैं मान रहा हूँ कि इतना ट्री मैंने बना लिया। अब इसके बाद फिर लेफ्ट से राइट चलूँगा तो डिवीज़न मुझे नज़र आएगा। अब ये पूरा का पूरा जो है वो डिवीज़न का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, लेफ्ट ऑपरेंट बनेगा, और इसका जो राइट ऑपरेंट होगा वो हो जाएगा एफ। तो मान के चल रहा हूँ, देखिए यहाँ तक की पूरी कहानी हमने ऑब्जर्व कर ली। फिर आगे बढ़िए, क्या बचा है, एक मल्टीप्लाई और बचा है, बट ध्यान से देखेंगे आप समझेंगे, इस डी मल्टीप्लाई बाय ई का इस पूरे एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको अलग से बना लेता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ, एंड लेट मी से लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पर आप देखेंगे तो आया है डी और राइट चाइल्ड आया है ई, दिस इज डन। अब मेरे पास दो प्लस बचे हुए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले अगेन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी वाली बात, पहले इसको मैं ले लेता हूँ, तो लेट मी टेक प्लस और लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा ए और राइट चाइल्ड हो जाएगा डिवीज़न, यस दिस इज डन। और उसके बाद ये लास्ट वाला प्लस, इसको ऊपर रख लेता हूँ, अब ये हमारा हो गया लेफ्ट चाइल्ड और ये हमारा हो गया राइट चाइल्ड। देखिए पूरा आइडिया देखिए, पूरा तरीका देखिए, मैंने बोला इसको चाहे तो बाद में दोबारा स्लो मोशन पे चलाइए या इसको दो बार रिवाइंड करिए कम से कम, जहां पर भी आपको डाउट हो रहा कि ऐसा कैसे कर रहा हूं। मैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लाई दोनों का प्रायोरिटी सेम, लेफ्ट टू राइट जो पहले आया उसको सॉल्व किया, उसके बाद प्लस और माइनस दोनों का यू नो प्रायोरिटी सेम, जो पहले आया लेफ्ट टू राइट उसको सॉल्व किया। अब ये जब आपने बना लिया ना, इसको अगर आप प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, तीन ट्री पे तीन तरह के ट्रेवर्सल ऑर्डर होते हैं, अब मैं यहाँ पर उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगा, मैं मान के चलूँगा कि आपको तीनों ट्रेवर्सल ऑर्डर करने आते हैं, अगर नहीं आते तो आप इस प्लेलिस्ट में आगे देखेंगे तो आपको ट्री ट्रेवर्सल पे शानदार वीडियोज़ मिलेंगी तीनों पे। तो अब जब मैं इसको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करता हूँ विद योर परमिशन, और बस मैं करते जाता हूँ, प्लस प्लस ए आएगा, देन डिवीज़न आएगा, देन मल्टीप्लाई आएगा, देन बी आएगा, प्लस आएगा, सी आएगा, डी आएगा, देन उसके बाद एफ आएगा, देन उसके बाद स्टार आएगा, डी आएगा, ई आएगा। दिस इज नथिंग बट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, लास्ट टू लास्ट वीडियो से आप मैच कर लीजिएगा। जब मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करता हूँ तो ए आएगा आई थिंक, उसके बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, प्लस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, एफ आएगा, देन डिवीज़न आएगा, उसके बाद डी आएगा, ई आएगा, देन मल्टीप्लाई आएगा, देन प्लस आएगा, देन दिस इज़ नथिंग बट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। और अगर इन ऑर्डर करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन करना चाहे कर सकते हो, उससे जिस एक्सप्रेशन से आपने शुरू किया था वही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के आइडियाज़ भी बड़े काम के होते हैं, बिकॉज कभी कभी कई क्वेश्चंस में कभी कभार ऐसा किया जाता है, यूनरी ऑपरेटर्स भी पूछ लिए जाते हैं, उस केस में कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कन्वर्जन में कि यार इसको लेफ्ट में रखूँ कि राइट में, तो वहाँ पर ये ट्री मेथड आपको बहुत सूट करेगा और ये कभी कंफ्यूज नहीं होने देगा, है ना। तो भूलिएगा मत हम किस टॉपिक में हैं, हम अभी स्टैक की बात कर रहे हैं, स्टैक में ही हम इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कन्वर्जन करना जरूरी था। तो किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट तो हमने कर लिया, अभी अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है इसके ऊपर बात करूंगा
आने वाले वीडियोस में। यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, वीडियोस, पोस्ट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगती हैं, किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। भगवान आप सभी को बहुत खुश रखें।